आज 14 फरवरी है यानी वैलेंटाइन डे। युवाओं के बीच इस तारीख का बड़ा क्रेज रहता है, लेकिन हर साल इसके विरोध की घटनाएं भी आम हो चली हैं। इस बार भी लखनऊ और अहमदाबाद से लेकर तमिलनाडु के कोयम्बटूर में विरोध शुरू हो गया है। वैलेंटाइन डे की तैयारियों के बीच लखनऊ यूनिवर्सिटी ने एक ऐसा फरमान जारी कर दिया है जिससे छात्र छात्राओं के बीच खासी नाराजगी दिख रही है। विश्वविद्यालय की ओर से जारी एडवाइजरी में छात्रों पर कार्रवाई की चेतावनी है। एडवाइजरी में लिखा है, गत वर्षों में ऐसा देखा गया है कि पाश्चात्य संस्कृति से प्रभावित होकर समाज में कतिपय नवयुवक 14 फरवरी की तारीख को वैलेंटाइन डे के रूप में मनाते हैं। इस परिप्रेक्ष्य में विश्वविद्यालय में महाशिवरात्रि का अवकाश है। छात्र छात्राओं के लिए निर्देश है कि इस दिन परिसर में कदापि न आए। अगर कोई अनावश्यक रूप से शैक्षणिक परिसर में घूमता या बैठा हुआ पाया जाएगा तो उसके खिलाफ नियम के मुताबिक अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। इस नोटिस के बाद छात्रों के बीच कई सवाल उठ रहे हैं। वैलेंटाइन डे जिस लिए है उसको करने से आप नहीं रोक सकते किसी को, जिसको करना है उसके पास अपने इंतजाम है। जरूरी नहीं कि हर स्टूडेंट उसी पर्पस से आए, और जिसको करना वो कुछ भी उसको कोई रोक नहीं सकता। जैसे उन्होंने जी मैम, जरूरी तो नहीं कि वैलेंटाइन डे ही के दिन ऐसा मतलब करें, लोगों के पास और भी दिन है, कुछ भी मतलब मना सकते हैं। तो जो बच्चे यहाँ पे हॉस्टल में रहते हैं इनके ऊपर क्या कार्रवाई होगी? ये भी तो आएंगे जाएंगे यहाँ पे, क्या उनको रोक लेंगे क्या? ये तो ये सरासर गलत है। तो वहीं यूनिवर्सिटी के वीसी की दलील कुछ और ही है। वैलेंटाइन डे इस बार चूंकि महाशिवरात्रि के दिन पड़ रहा, उस दिन महाशिवरात्रि है और आधिकारिक रूप से विश्वविद्यालय उस दिन बंद है। विश्वविद्यालय की कोई प्रयोगात्मक परीक्षाएं भी नहीं होंगी, कोई लैब भी नहीं खुलेंगे, उसकी लाइब्रेरी भी नहीं खुलेगी, उसका परिसर भी नहीं खुलेगा। तो इसलिए ये सूचना तो हमारे विद्यार्थियों पर बिल्कुल नहीं लागू होती, क्योंकि उन्हें पता है कि कोई क्लास या कोई चीज उनकी नहीं होगी, वो उनके आने की संभावना लगभग नगण्य बनती है। ऐसे लोग, चूंकि ये परिसर लखनऊ विश्वविद्यालय का परिसर बहुत बड़ा है और शहर के बीचों बीच में स्थित है, हर तरफ से जो बाहरी छात्र हैं या बाहरी व्यक्ति हैं उनके आने की संभावना इस परिसर में ज्यादा है, तो वो आकर के यहाँ घूमे और ऐसी कोई घटना दुर्घटना अगर होती है, कोई क्लैसेज होते हैं, तो उसको रोकने के लिए प्राक्तन ने ये मुझे बताया कि उनकी तरफ से ऐसी नोटिस निकाली गई है। लखनऊ ही नहीं, अहमदाबाद में भी स्कूलों और कॉलेजों के बाहर कुछ पोस्टर लगाए गए हैं जिनमें लव जिहाद और वैलेंटाइन डे का विरोध करने को कहा गया है। पोस्टर किसने लगाया है ये साफ नहीं है, लेकिन पोस्टर में बजरंग दल कर्णावती लिखा है। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।